नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू होलैंड के 5510 एक्सल सीरीज़ के ट्रैक्टर के बारे में। ये जो सीरीज़ है ये अपने आप में एक प्रीमियम सीरीज़ मैं इसको कह सकता हूं न्यू होलैंड की है। इसका जो रिव्यू है वो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये 2023 मॉडल ट्रैक्टर है। इस 23 मॉडल ट्रैक्टर के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस कर दिए हैं कंपनी ने 2023 के अंदर, और क्या ये ट्रैक्टर आपको, कमाल की बात ये है कि CRDI पंप और CRDI इंजन के साथ में मिलता है या अभी भी नॉर्मल इंजन आता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी थी इसकी वो 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो उन सारी चीज़ों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा, और वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या आपको इस ट्रैक्टर की तरफ जाना आज के समय में सही रहेगा या नहीं, और आपकी जेब के ऊपर ये ट्रैक्टर कितना भारी आज के समय में पड़ने वाला है। सारी कुछ चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में ही बात करेंगे, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट से ही। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो आपको एक प्रीमियम वाली फील दे देता है निकाल करके। पूरी तरीके से एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसका बनाया गया है। कंपनी ने इसको नाम दिया है कैटाई डिज़ाइन, जो कि लगता भी कुछ वैसा ही है जैसा इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे न्यू होलैंड का 3D लोगो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, चमचमाता हुआ लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ब्लैक कलर की जाली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और जो हेडलाइट का सेटअप है वो आप देखेंगे तो कुछ कमाल का हेडलाइट सेटअप इसके अंदर दिया गया है। ये फ्रंट में सामने की तरफ रोशनी के लिए, ये साइड में रोशनी के लिए, माने आपको पूरा एक दायरा ये लेकर के चलता है। नाइट वगैरह में अगर खेत का कोई काम कर रहे हैं तो पूरा आपको फेरा दिखाई देगा कि ट्रैक्टर कितने दायरे को लेकर के चल रहा है। तो हेडलाइट से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। हैलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलाइट अभी भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। जेरिकन वेट आप लगाना चाहते हैं तो इजिली इसके ऊपर फिटिंग करा सकते हैं। पूरी फिटमेंट यहाँ पर दी गई है। नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। जो फ्रंट एक्सल है इसके अंदर वो आपको फुली हैवी ड्यूटी CNH का खुद का डिज़ाइन किया हुआ फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे आगे की तरफ तो आपको जो टाई रोड है वो दिख जाएगी, जो कि स्टीयरिंग को बैलेंस करने का काम ये करती है, क्योंकि सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट एक्सल है वो प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में आता है, और जो इसके रिडक्शन है वो आपको बाहर की तरफ हल्के से उभरे हुए ज़रूर दिख जाते हैं। जो फ्रंट टायर हैं वो आपको इसके अंदर गुडियर के देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको 9/5/24 टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, और जो रिम का कलर है वो हल्का सा येलोइश शेड आपको दिख जाएगा, प्रॉपर वाइट मैं इसको नहीं कहूँगा। और इसके बोनेट को ओपन करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटीना भी इसके अंदर दिख जाता है। और इस डिज़ाइन की एक खास बात आपको बताता हूँ, मेरे बहुत किसान भाई ये कहते हैं कि सर इस डिज़ाइन का या एरोडायनेमिक डिज़ाइन का तो हाई स्पीड व्हीकल में फ़ायदा होता है, माने कार्स वगैरह में या जो रोड पर हाई स्पीड में चल रहे हैं उनमें फ़ायदा होता है, ट्रैक्टर में क्या फ़ायदा मिलेगा किसान को। तो भाइयों फ़ायदा इसके अंदर दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा, दिखने में काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है, एक फॉरेन डिज़ाइन है ये। दूसरा फ़ायदा ये है इसका कि जब किसान इसको ऊपर बैठ करके चलाता है तो जो विजिबिलिटी आगे की मिलती है, जो ड्राइविंग कंफर्ट एक मिलता है कि ट्रैक्टर कहाँ पर घूम रहा है कितने एरिया में, वो प्रॉपर मिल जाता है वहाँ पर बैठ करके। आपको यहाँ से एक जस्टिफाई भी हो रहा होगा कि वहाँ का व्यू क्या मिलेगा, जो कि मैं आपको ऊपर बैठ के भी इसको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का कैसा व्यू आपको वहाँ पर बैठ करके आता है। बोनेट को ओपन यहाँ से करेंगे आप, इस तरीके से ये जो बोनेट है इसका वो अनलॉक हो जाता है, और ऊपर उठाएंगे तो बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। कोई फोर्स आपको इसके ऊपर नहीं डालना होता, क्योंकि इसके अंदर सिंगल गैस स्टड का यूज़ किया गया है, जिसकी सहायता से जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर फ्रंट में ही आपको जो बैटरी है वो देखने को मिल जाती है, 88 एम्पियर की जो बैटरी है इसके अंदर वो दी गई है। जो एयर क्लीनर है वो आपको इसके अंदर ड्राई टाइप का दिया गया है, डुअल एलिमेंट के साथ में आता है, और कमाल की बात क्या है, ड्राई टाइप के एयर क्लीनर के साथ में प्री क्लीनर और अटैच कर दिया कंपनी ने, जिससे कि जो एयर है और ज़्यादा क्लीन होकर के इंजन के अंदर जाए, जिससे इंजन की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। ये आपको आगे की तरफ इंटरकूलर दिख रहा होगा, जो कि इंटरकूलर कंपनी ने स्पेशल दिया है पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा करने के लिए, जिससे जो पावर स्टीयरिंग की सील हैं वो ना कटें, लंबे टाइम तक आप इजीली ट्रैक्टर को ड्राइव कर पाएँ, उसके लिए आगे की तरफ इंटरकूलर ये दिया गया है
सेपरेट पावर स्टेरिंग के लिए। पीछे की तरफ रेडिएटर आपको दिखेगा, एल्यूमिनियम का रेडिएटर इसके अंदर दिया गया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कूलेंट के लिए कंटेनर दिया गया है जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है, जिससे कि रेडिएटर में अगर आपके कूलेंट कम हो जाता है तो ये उसको ऑटोफिल करने का काम दोस्तों करता है। साइट प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू हॉलैंड की और 5510 की शानदार ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो डिज़ाइन को और ज़्यादा एक अट्रैक्टिव बना देती है। पीछे की तरफ 3D कटिंग के साथ में जो एक्सल की ब्रांडिंग है वो क्रोम फिनिश में यहाँ पर दी गई है। इंजन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर FPT S 8000 सीरीज़ का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 2931 cc का 49.5 HP का इंजन इसके अंदर लगाया गया है, जो कि 3 सिलेंडर के बोस के ही इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और कमाल की बात यह है कि मात्र 2100 RPM पर ही अपनी मैक्सिमम पावर जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। अब कंपनी ने इसको CRDI क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कैटेगरी 55 HP के अंदर आता था, लेकिन एक्चुअल अगर बात कर रहे हैं तो ये 49.5 HP के FPT के इंजन के साथ में आता है, इसीलिए कंपनी ने इसको CRDI नहीं किया, या CRDI इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसका बेनिफिट आपको भी ये मिल जाएगा कि आपकी जेब के ऊपर उतना भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि CRDI अगर ये हो जाता तो सीधा सीधा 2.5 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस आपको इसी सेम ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता। डुअल इसके अंदर पंप दिए गए हैं, एक आपका पावर स्टेयरिंग के लिए है, दूसरा आपका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है। काफ़ी बड़ा जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप 4-व्हील ड्राइव की इसकी रोड देख पाएंगे, मैकेनिज्म देख पाएंगे, तो बड़ा शानदार मैकेनिज्म दिया गया है। जो 4-व्हील ड्राइव की रोड है उसको पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है, जिससे कि अगर आपका ट्रैक्टर नीचे मेड वगैरह में अड़ जाता है, टकरा जाता है, तो कोई दिक्कत या कोई इफेक्ट उसके ऊपर ना आए। साइलेंसर आप देखेंगे तो इसके अंदर नीट एंड क्लीन पाइप टाइप का जो साइलेंसर है वो देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर जो हीट प्रोटेक्टर है वो लगाया गया है, और जो इसका मफलर है वो अंदर की तरफ ही दिया गया है, जिससे कि लुक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर का दिखने में शानदार लगता है, और ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो शानदार निकल करके आती है, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको सुनवाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया था, मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलता। 5वें महीने 2023 इसी महीने की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर इसके ऊपर शो होती हुई दिख रही होगी। प्लेटफॉर्म के ऊपर चलूँगा, उससे पहले बात कर लेता हूँ इसके डीजल टैंक की। इसके अंदर आपको जो डीजल टैंक है वो 100 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है। अब 100 लीटर का डीजल टैंक कैसे है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये हमारे पास टॉप मॉडल खड़ा हुआ है। यहाँ पर डीजल टैंक आपको दिख रहा होगा 50 लीटर का, और 50 लीटर का एक डीजल टैंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो कम्बाइंड ये आपको 100 लीटर की कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड करा देता है। माने इजीली आप ट्रैक्टर को पूरा दिन आराम से चला सकते हैं इसके साथ में। यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखेंगे तो डुअल इसके अंदर 40 स्टेप दिए गए हैं, जिससे कि आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी इजीली चढ़ और उतर पाएँ। हीट प्रोटेक्टर लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों को बिल्कुल भी हिट ना करे, ड्राइवर को दिक्कत चलाने में ना हो। पूरी तरीके से उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि नामचार की भी जो गर्म हवा है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुंचे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा चेंज ये कि इसके इंडिकेटर में भी किया गया है। पर्सनली मुझे काफ़ी शानदार इसके इंडिकेटर लगे। पूरी तरीके से फुली LED सेटअप के साथ में जो इंडिकेटर हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ईजिली चढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से इसको पकड़ करके ईजिली चढ़ सकते हैं, क्योंकि हैंडल आपकी रेंज में नहीं आएगा, और हैंडल पकड़ करके चढ़ने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत स्टेयरिंग के अंदर आ जाती है, तो उसका भी कंपनी ने यहाँ पर खास ख्याल रखा है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो पूरी तरीके से कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है, और कमाल की बात क्या है, फुली एडजस्टेबल आपको डिलक्स सीट इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आर्म रेस्ट के साथ में आती है। आप इजीली इसके ऊपर हैंड वगैरह यहाँ रख सकते हैं, और साथ में ही जो सीट बेल्ट है वो भी इसके अंदर यहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करूँगा ना इसके पैडल्स की, तो फुली सस्पेंडेड टाइप पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे हम क्लच पैडल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात ब्रेक पैडल्स की कर रहे हैं। और क्लच की बात अगर यहाँ पर हो ही रही है तो ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका जो मेन क्लच है वो आप देख पा रहे हैं, और जो PTO के लिए क्लच है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रॉपर इंडिपेंडेंट डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आपका आता है। ये इसके अंदर पार्किंग के लिए ब्रेक दिया गया है, जैसे आपको कारों में देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके का, बिल्कुल डिट्टो कॉपी उसी तरीके का जो पार्किंग ब्रेक है वो इसके अंदर दिया गया है, और काफ़ी ईजी एक्सेस है। आप इसको अगर ऑपरेट कर रहे हैं ना तो काफ़ी ईजीली कर सकते हैं। ये आप देखो, जैसे मैंने इसको इंगेज कर दिया, इंगेज हो गया, यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया, ये मेरा डिसइंगेज हो गया, तो काफ़ी इजीली आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब मेनली बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गियर बॉक्स की, तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो फुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। और गियर स्पीड की बात कर लूँ
तो आपकी समझ से आपकी सोच से परे है। इसके अंदर आपको 12+12 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, 24+24 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और 20+20 का भी कॉम्बिनेशन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये हमारे पास में टॉप मॉडल है, ये भाइयों 48 गियर वाला वेरिएंट है, 24+24 का कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिल जाता है। 24+24 का कॉम्बिनेशन किस तरीके से है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप गियर देख पा रहे होंगे, ये इसका हाई लो मीडियम का गियर लीवर यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका मेन गियर लीवर है जिसके ऊपर 4 गियर दिए गए हैं, माने टोटल आपको 12 गियर यहाँ पर मिल गए, ठीक है। अब रिवर्स कहाँ है, रिवर्स इसका यहाँ पर है, 12 आपको आगे के मिल गए और 12 आपको पीछे के मिल गए, टोटल हो गए आपके 24 गियर, ठीक है। उसके साथ एक लीवर यहाँ पर ये दे दिया, ये आपको मेंशन भी कर रखा है, एक लीवर यहाँ पर ये दे दिया हाई लो का, तो 24 यहाँ पर स्पीड मिली और 24 आपको यहाँ पर स्पीड मिल गई। तो इस तरीके से आपको जो 48 गियर्स हैं वो इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था 48 गियर वाला वेरिएंट हमारे पास में ये है, तो 48 स्पीड आपको इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती हैं। आपकी सोच से परे इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड में जैसी स्पीड में आप ट्रैक्टर को चलाना चाहते हो ईजी चला सकते हो, कोई दिक्कत इसके साथ में तो महसूस आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और इस शटल के बारे में बात अगर मैं कर लेता हूँ तो जैसा ये आपको दिख रहा है ना, मैकेनिकल शटल इसके अंदर दिया गया है जिसको कि आपको क्लच प्रेस कर करके तब इसको आगे पीछे ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी है, काफ़ी इजीली ऑपरेट हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड क्या करा रखा है, अगर आपने इसके अंदर पावर सेटल लेना है, पावर रिवर्सल लेना है, तो वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब मेरे कुछ किसान भाई कहते हैं पावर रिवर्सल क्या होता है, पावर रिवर्सल या पावर सेटल ये होता है आपको क्लच प्रेस करके इसको आगे प्रेस नहीं करना होता, आपको बिना क्लच प्रेस किए इसको आप डायरेक्टली पीछे कर दोगे। जैसे अब इस टाइम जैसे ये मैकेनिकल वाला है तो ये पीछे नहीं हो रहा, इसको प्रेस किया आपने पीछे कर दिया, तो वो काम आप बिना क्लच प्रेस किए जो पावर सेटल होता है उसके अंदर कर सकते हो। ये जो सेटल है ये मैकेनिकल सेटल है इसके अंदर, तो ये डिफरेंस होता है पावर सेटल के और मैकेनिकल सेटल के अंदर। गियर स्पीड के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, डैशबोर्ड इसका आप लोग चेक कर लो, कितना शानदार डैशबोर्ड दिया गया है इसके अंदर, ये आप देखो। मैकेनिकल आपको जो RPM मीटर है वो मिल जाता है, फ्यूल का मीटर मिल जाता है, टेम्परेचर का मीटर मिल जाता है और ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको भर भर के इसके अंदर मिल जाती हैं। सारा कुछ इंडिकेशन आपको आपके डैशबोर्ड में ही ये दे देता है और जो आवर मीटर है वो आपको इसके अंदर फुली डिजिटल देखने को मिल जाता है। आपने 1000 लैंप अगर ऑन किया तो उसकी भी इंडिकेशन आपको ये डैशबोर्ड में ही दे देता है। ये हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पर मिल जाता है, ये इसकी हाई बीम लो बीम करने के लिए यहाँ पर स्विच दे रखा है, ये इसकी हेडलाइट को ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है, ये इसका हॉर्न दिया गया है, काफ़ी लाउड है, ट्रैक्टर के हिसाब से तो लाउड नहीं है। ये इसके अंदर एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दे रखा है जिसके अंदर डायरेक्टली चार्जर लगा करके आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। की लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसको काफ़ी इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। ये ट्रैक्टर को बंद करने के लिए जो पुल लीवर है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। हैंड वाली रेस यहाँ पर दी गई है, काफ़ी अच्छी पॉइजनिंग उसकी दी गई है। प्लेटफॉर्म की बात अगर मैं करूँ ना भाइयों तो जितना मैं इसकी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, इतना कंफर्टेबल और स्पेसियस प्लेटफॉर्म इसके अंदर डिज़ाइन किया है कि आपको ट्रैक्टर चलाते हुए महसूस ही नहीं होगा कि आप एक ट्रैक्टर चला रहे हो। साथ में आप इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह ले जाना चाहते हो तो वो यहाँ पर भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस इसके अंदर दिया गया है। मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है और मैं कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ, जिसको कहते हैं ना कि खुलकर बैठना, उस तरीके से मैं इसके ऊपर बैठ पा रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इसका डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल इसके अंदर हाइड्रोलिक कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, एक DC लीवर है, दूसरा इसके अंदर PC लीवर है और ADDC टाइप की लिफ्ट आपको मिल जाती है ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में। प्लस इसके अंदर जो लिफ्टोमेटिक का बटन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, माने आप अपनी लिफ्ट को सेम गहराई के ऊपर इस एक सिंगल बटन से ऊपर नीचे कर सकते हो, बार बार आपको अपने लीवर छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम गहराई के ऊपर एक सिंगल बटन से ही आप अपनी लिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपकी खेत में ड्राइविंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लीवर दे रखा है, डुअल डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर मिल जाते हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये इसके अंदर आपको डिफरेंशियल पैडल, डिफरेंशियल लॉक का पैडल दिया गया है। आपका ट्रैक्टर कीचड़ वगैरह में, मड वगैरह में अगर फंस जाता है तो इस पैडल को जब आप प्रेस करते हो तो दोनों टायर आपके एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए जो पैडल है यहाँ पर सेपरेट दिया गया है जिसको बहुत कंपनियाँ आज भी नहीं देती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये इसके अंदर इसकी लिफ्ट की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए लीवर दिए गए हैं, इसकी सेंसिंग को भी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो और इसकी लिफ्ट को आपने लॉक करना है तो लॉक भी आप यहीं से
कर सकते हो। मान लीजिए आपका पीछे इम्प्लीमेंट लगा हुआ है, कोई बच्चा वगैरह आपके साथ में बैठा है, तो लिफ्ट को ऊपर उठा करके इससे आप लॉक कर दोगे, और लीवर को अगर आप गलती से या जानबूझकर भी नीचे डाल दोगे तो आपकी लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी। उसके लिए ये काम में आता है इसके अंदर, जो इसका हाइड्रोलिक लॉक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर ट्रैक्टर को फोर व्हील और टू व्हील में ले जाने के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि आपको ऊपर की तरफ पुश और पुल करना पड़ता है, जिससे कि आपका ट्रैक्टर टू व्हील और फोर व्हील में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। पीटीओ की बात अगर मैं करूँगा तो इसके अंदर पीटीओ के लिए भी आपको मल्टीपल पीटीओ स्पीड्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो लीवर पीटीओ के लिए इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो लीवर है इसके अंदर आपको डुअल स्पीड मिलेंगी, 540 प्लस 540 इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है भाइयों, एक के अंदर जब आपने नॉर्मल पे डाल रखा है ये, तो ट्रैक्टर आपका 2100 आरपीएम पर 540 पीटीओ आपकी वर्क करेगी। इकोनॉमी में आपने यहाँ पर ये कर दिया तो आपका मात्र 1500 से 1600 आरपीएम पर ही आपकी पीटीओ 540 राउंड पर वर्क करेगी। ये होता है इकोनॉमी पीटीओ। प्लस यहाँ पर एक लीवर आपको ये दिख रहा है इसके अंदर, ये जो है ये आपका ग्राउंड स्पीड और ग्राउंड रिवर्स स्पीड पीटीओ को जो है ऑपरेट करेगा। तो डुअल लीवर पीटीओ के आपको मिल जाते हैं, मल्टीपल पीटीओ स्पीड्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। पिछले टायर्स की बात कर लेते हैं तो पिछले टायर भी आपको इसके अंदर गुडियर के ही देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज की यहाँ पर बात करेंगे तो 16x28 यहाँ पर जो टायर साइज है वो रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पिछले हिस्से की, इसके रियर एक्सल की। तो यहाँ पर आप इसका रियर एक्सल चेक करेंगे, फुली हैवी ड्यूटी रियर एक्सल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में दिया गया है। और इसके अंदर कमाल की बात एक और यहाँ पर आप देखेंगे, जो कैनोपी है, जो कैनोपी आरओपीएस है, वो आपको कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है। फिटिंग आप इसकी चेक कर लो कितनी ज़बरदस्त दी गई है, जो कि एडजस्टेबल है। इसको आप ऊपर या नीचे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिटिंग आप इसकी चेक करो कितनी ज़बरदस्त कंपनी ने इसकी जो फिटिंग है वो दी है। इसको भी आप अंदर या बाहर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो, और फिटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मडगार्ड को आरओपीएस के साथ में अटैच किया गया है, ना कि मडगार्ड के ऊपर आरओपीएस को अटैच कर दिया, जो कि आफ्टर मार्केट जब आप फिटिंग कराते हो तो कुछ इस तरीके की ही फिटिंग वो लोग करके आपको देते हैं। इसके तीन बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहली चीज़, जो ट्रैक्टर का लुक है उसको नो डाउट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है, चार चांद उसके लुक को लगा देती है। दूसरा बेनिफिट आपको इसका मिल जाता है, आपको हल्की फुल्की बरसात से बचा लेती है, आपको हल्की फुल्की जो धूप पड़ रही है उससे भी बचा लेती है। तीसरा फ़ायदा जो सबसे अहम है, जिसके लिए कंपनी ने इसको लगाया है, वो है आपके ट्रैक्टर के साथ, आपके साथ में मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हो, कोई दुर्घटना हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो उससे आपको ये बचा लेती है। ड्राइवर बिल्कुल सेफ रहता है इस कैनोपी आरओपीएस के साथ में। जैसा इसका नाम है ना आरओपीएस, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, वैसा इसका काम भी है। उतनी ज़बरदस्त इसको डिज़ाइनिंग दी है कंपनी ने, उतना ज़बरदस्त इसकी जो फिटिंग है वो कंपनी ने की है। पीटीओ की बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया मल्टीपल पीटीओ स्पीड्स आपको देखने को मिल जाती हैं। पीटीओ एचपी की अगर मैं बात करूंगा तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 46 एचपी की पीटीओ पावर देखने को मिल जाती है, जो कि आप कह सकते हो अपनी श्रेणी में अच्छी खासी जो पीटीओ पावर है वो ये ट्रैक्टर जनरेट कर लेता है। लिफ्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज की जो लिंकेज हैं वो मिल जाती हैं। साइड में आपको जैक सिस्टम देखने को मिल जाता है, और सेंसिंग की बात अगर मैं करूँगा तो 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लिफ्ट की बात अगर सेंसिंग की मैं कर ही रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो न्यू हॉलैंड ड्राइव कर रहे हैं मेरे किसान, वो जानते हैं कि इसकी सेंसिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो वर्क करती है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की दोस्तों बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये जो वेरियंट है ये हमारे पास में एक्सटेंड रैम्प के साथ में है, तो इसके अंदर आपको 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, लीवर मैंने आपको दिखा दिया था, आगे ड्राइवर की रेंज में ही दिया गया है। इसकी सहायता से आप प्रेशर का कोई भी इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं, आपका प्रेशर कल्टीवेटर हो गया, प्रेशर हैरो हो गई, तो इसके साथ में आप इजीली उसको चला सकते हैं। जो टोपलिंग है वो टोपलिंग कैरी होल्डर के साथ में यहाँ पर दी गई है। अगर आपने पीछे कोई इम्प्लीमेंट नहीं लगाना है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप जो है अटैच कर सकते हो। 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया जाता है, ट्रॉली वगैरह में या किसी इम्प्लीमेंट के ऊपर आपने पीछे लाइट फिटिंग वगैरह करनी है तो इसकी सहायता से आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बोतल होल्डर है वो देखने को मिल जाता है, छोटी मोटी बोतल वगैरह आप इसके साथ कैरी कर पाओगे। फाइबर का आपको एक टूल बॉक्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है, छोटा मोटा कोई टूल वगैरह आपने कैरी करना है तो इसके साथ में आप लोग उसको इजीली कैरी कर सकते हो। और बीच में भी एक सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको ये सपोर्टिंग पाइप देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी मजबूती को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और इंडिकेटर जैसा मैं बात कर रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने बताया फुली एलईडी इंडिकेटर का सेटअप दे दिया गया है, जो ट्रैक्टर के लुक को
और ज़्यादा चार चांद लगा देता है। पीछे मडगार्ड के ऊपर एक न्यू होलैंड एग्रीकल्चर का स्टिकर भी कंपनी ने लगा दिया और 6 साल की टी वारंटी कंपनी इसके ऊपर प्रोवाइड कराती है। पीछे का लुक आप चेक करोगे, इसका फुली हैवी ड्यूटी लुक इसका देखने को मिल जाता है। ओवरऑल लुक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको जो फॉरेन कंट्रीज में डिज़ाइन देखने को मिलता है उसी डिज़ाइन के अंदर कंपनी ने इसको बनाया है। जैसा एक्सल सीरीज है उसी तरीके से इसके अंदर एक्सल वाले जो फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस जो लुक है ट्रैक्टर का वो भी आपको प्रीमियम देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स आप लोगों ने जान लिए कि क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। इंजन CRDI है या नॉन CRDI है, अब मैं इसकी जो आवाज़ है वो आपको सुनवाने की कोशिश करता हूँ और जो इसका टर्निंग रेडियस है साथ साथ वो भी आपको दिखाऊँगा। ट्रैक्टर को कर लेते हैं सबसे पहले न्यूट्रल। स्टार्टिंग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है ट्रैक्टर की, और जो आइडल RPM है वो इसके लगभग 500 से 600 RPM पर ट्रैक्टर आइडल रहता है। आवाज़ ट्रैक्टर की स्मूथनेस ट्रैक्टर की आप लोग चेक कर सकते हैं, ये आप देखो। कोई फालतू की आवाज़ नहीं है, काफ़ी शार्प और एक शानदार सी आवाज़ आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे ही मैं RPM को बढ़ाता हूँ, रेस को रेव करता हूँ, उसी तरीके से जो RPM मीटर है इसका वो वर्क करता है। इंजन जो है क्विक रेस्पॉन्स आपको निकाल करके देता है। टर्निंग रेडियस भी आपको मैं चेक करा देता हूँ इसका, ये आप देखो। स्टेयरिंग सिंगल हैंड से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इसके अंदर जो स्टेयरिंग है वो देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको ऑपरेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको डाल लिया हाई गियर में, यहाँ से मैंने इसको डाल लिया फर्स्ट गियर में, यहाँ से मैंने इसको सटल के आगे की तरफ कर दिया। अब ट्रैक्टर मेरा आगे चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्लच पैडल प्रेस करना है, इसको पीछे कर देना है, ट्रैक्टर पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है इसके सटल लीवर का, जिसको कि आप आसानी से एक्सेस कर पाते हो, आगे करना है आगे कर देते हो। और आइडल RPM पर ही ट्रैक्टर चल रहा है, मैंने कोई रेस नहीं दी हुई ना यहाँ से ना ही पैडल से, तो काफ़ी कंफर्टेबली ट्रैक्टर आगे मूव कर रहा है। यहीं से मैं पीछे करूँगा ट्रैक्टर मेरा पीछे जाने लग जाएगा। और यहाँ से मैं इसके जो ये वाला गियर है अगर मैं इसको ऊपर खींचता हूँ तो अब देखना आप लोग स्पीड, इसकी स्पीड जस्ट डबल हो जाती है, क्योंकि ये जो गियर है ये 24 को और 24 गियर स्पीड आपको प्रोवाइड कराता है, 48 गियर आपको इसकी सहायता से मिल जाते हैं, ये आप देखो। स्टेयरिंग को ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर को ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, काफ़ी इजीली आप कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सटल शिफ्ट लीवर मिल जाता है, 48 स्पीड्स आपको मिल जाती हैं, तो ऑपरेट करना काफ़ी इजी है। टर्निंग रेडियस आपको अच्छा खासा ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब मैं ट्रैक्टर को जो है यहाँ पर बंद कर लेता हूँ दोस्तों, जिसको कि यहाँ से मैंने पहले इसको न्यूट्रल किया और यहाँ से मैंने इसको लीवर को खींचा और ट्रैक्टर मेरा बंद हो गया। इतना सिंपल है इसको बंद करना भी। यहाँ से पार्किंग ब्रेक को इंगेज कर देते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर अब खड़ा करना है तो इसको पार्किंग ब्रेक को इंगेज करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में जानना, कौन कौन से फीचर्स हैं, चेंजेस क्या कुछ कंपनी ने इसके अंदर 2023 में किए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, ये टॉप मॉडल हमारे पास में है, इसके अंदर सारे फीचर एडवांस आपको मिल जाते हैं, चाहे डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, चाहे हम गियर स्पीड की बात कर रहे हैं। अब बात निकल करके आ जाती है दोस्तों इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 9.5 से 10 लाख 20-30 हज़ार के समथिंग आपको देखने को मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस का पता चल पाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ दिखाने की और बताने की समझाने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी ही नई नई वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। धूप काफ़ी ज़्यादा है, मेरी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।